हरियाणा में आज होगा मंत्रिमंडल विस्तार। शाम 4 बजे हरियाणा राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय दिलाएंगे शपथ। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आज शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय दिलाएंगे शपथ। जेजेपी से टोहाना विधायक देवेंद्र बबली को जगह मिली है। बीजेपी से हिसार विधायक कमल गुप्ता को भी मंत्री बनाया जाएगा। बताते चले कि हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं और इस लिहाज से यहां अधिकतम यानी ज्यादातर 14 मंत्री बन सकते हैं। मौजूदा समय में प्रदेश मंत्रिमंडल में सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत 12 मंत्री मौजूद हैं। बीजेपी के 40 विधायक हैं, इन 40 में से सीएम समेत बीजेपी के 9 मंत्री हैं, जबकि एक निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह भी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। वहीं जेजेपी की अगर बात कर ली जाए तो जेजेपी से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और राज्य मंत्री अनूप धानक हैं। मंत्रिमंडल में एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का पद अभी भी खाली है। कैबिनेट मंत्री पद जेजेपी कोटे और राज्य मंत्री का पद बीजेपी कोटे का खाली है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईशा ठाकुर हमारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, ज्यादा जानकारी और अपडेट वो हमें देंगी। ईशा, आज हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्या कुछ ताजा अपडेट्स और जानकारी? बिल्कुल, देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और इसकी सूचना हरियाणा सरकार की तरफ से बीते कल दी गई थी, लेकिन अभी तक हरियाणा सरकार की तरफ से किसी भी नाम का खुलासा यहां पर नहीं किया गया है। लेकिन दो पद जिस तरीके से लंबे समय से खाली थे, जिसमें एक पद बीजेपी के खाते का कोटे का और दूसरा जेजेपी के कोटे का, तो ऐसे में जो दो नाम पक्के माने जा रहे हैं वो जेजेपी कोटे से टोहाना से विधायक है देवेंद्र बबली और बीजेपी कोटे से हिसार से जो विधायक है डॉक्टर कमल गुप्ता, उनका मंत्री बनना बिल्कुल लगभग तय माना जा रहा है। इस वक्त दोनों ही नेता चंडीगढ़ में मौजूद हैं, लेकिन मीडिया से उन लोगों ने दूरी बनाई है। उनका कहना है कि अभी इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है उसके अनुसार ये दोनों विधायक ऐसे हैं जिन्हें आज मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि बहुत लंबे समय से कोटे की अगर हम बात करें तो बीजेपी कोटे से वैश्य समाज के विधायक को भी मंत्री की कुर्सी मिलनी है, वैसे में दो नाम सामने आ रहे हैं, यानी बीजेपी में अभी रस्साकशी का दौर है। देखिए बीजेपी में जो चर्चाएं हैं वो काफी जो नाम है वो चल रहे हैं। अगर हम डॉक्टर कमल गुप्ता की बात करें उनका नाम सबसे ऊपर है। इसके अलावा जो जोर आजमाइश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कैबिनेट में आने की, तो स्पीकर जो पंचकुला से विधायक हैं और इस वक्त हरियाणा के विधानसभा स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उनकी तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सके। लेकिन अभी तस्वीर लगभग साफ नहीं हो पाई है, लेकिन अभी तक जो नाम चल रहे हैं, जो नाम हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार बीजेपी की तरफ से कमल गुप्ता को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से किसी नाम का खुलासा नहीं किया गया है। इंतजार करना होगा शाम 4 बजे का और देखना होगा कि ऐसे कौन दो मंत्री हैं जिन्हें आज मंत्री बनाया जा सकता है। यानी अभी दो कुर्सियां खाली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो रस्साकशी का दौर है वो दोनों कोटे से है। अगर बीजेपी कोटे की या फिर जेजेपी कोटे की बात करें, यानी आपसी सहमति के बाद ही साफ हो पाएगा शाम 4 बजे की बैठक में कि क्या कुछ किन लोगों को इस कुर्सी पे बिठाया जाएगा, किन दो लोगों को शपथ दिलाई जाएगी, अभी कुछ साफ नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक मीडिया में ये साझा नहीं किया गया है कि आखिरकार वो दो नाम कौन होंगे, लेकिन लंबे समय से जो दो नाम सबसे ऊपर चल रहे हैं, अगर जेजेपी की बात करें जेजेपी में इस वक्त टोहाना से जो विधायक हैं देवेंद्र बबली, उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें डॉक्टर कमल गुप्ता की, जो हिसार से विधायक हैं, उनका नाम भी जितने भी कोशिश कर रहे हैं कैबिनेट में आने की बीजेपी की तरफ से, उसमें सबसे ऊपर कमल गुप्ता का नाम है। ऐसे में इन दोनों का नाम लगभग तय माना जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि जो कैबिनेट का मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, शायद आज किसी को कैबिनेट से बाहर का रास्ता ना दिखाया जाए, क्योंकि अटकलें काफी ज्यादा चल रही थी कि तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है 2 सालों में, ऐसे में कुछ मंत्रियों का पत्ता कट सकता है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार महज दो मंत्रियों को मंत्री बनाया जा सकता है। और यानीशा, रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जो मंत्रियों की रिपोर्ट है उसको बाद में ही पूरा एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल ईशा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो हरियाणा में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक होगी, शाम 4 बजे होनी है, उसके बाद सब साफ होगा।